पुणे, जो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है, जो अपने संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए, गणेश उत्सव के लिए, अपने मंदिरों के लिए, शनिवार वाड़ा के लिए और अपनी स्वादिष्ट मिसल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये महाराष्ट्र के सांस्कृतिक राजधानी से भारत की आर्थिक राजधानी यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को कनेक्ट करने वाली डेक्कन की रानी लेजेंडरी डेक्कन क्वीन से आज हम यात्रा करने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल जर्नी फ्रॉम पुणे जंक्शन टू मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स बाय लेजेंडरी डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन भारत की एकमेव ऐसी ट्रेन है जिसमें डाइनिंग कार जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है, मतलब एक चलता फिरता रेस्टोरेंट प्रोवाइड किया गया है डेक्कन क्वीन में। और ये व्लॉग में आपको धीरे धीरे पता चलेगा इस ट्रेन का इतिहास। So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel SAB Vlogs. How you all are doing? Hope all of us are doing extremely very well. So कल आपने मेरा उद्यान का व्लॉग देखा होगा। हम लोग उद्यान पुणे इसलिए आए थे क्योंकि हम लोग को मतलब पुणे घूमना था और रिटर्न मुंबई जाना था एक लेजेंडरी ट्रेन में। ये कौन सी ट्रेन है आप देख सकते हो कि राइट नाउ आई एम ट्रेवलिंग इन डेक्कन क्वीन। ये ISO सर्टिफाइड ट्रेन है, ट्रेन एक बहुत लेजेंडरी ट्रेन है, इसका इतिहास आपको धीरे धीरे व्लॉग में पता चलेगा। और आई एम रियली हैप्पी क्योंकि मैं इतना मुंबई पुणे ट्रैवल कर रहा हूँ बट कभी इस ट्रेन से ट्रैवल करने का मौका नहीं मिला, बट फाइनली आई गॉट अ चांस टू ट्रैवल बाय दिस लेजेंडरी सुपर फास्ट डेक्कन क्वीन। सो अभी ट्रेन ने पुणे डिपार्चर ले लिया है, आपको धीरे धीरे ट्रेन का इतिहास बताता हूँ। और इस ट्रेन की खासियत बात ये है कि इस ट्रेन को डाइनिंग कार होता है, लाइक अ रेस्टोरेंट, लाइक वहाँ पर आप बैठ के मस्त खाना वगैरह खा सकते हो। सो अभी फिलहाल हमने पुणे जंक्शन डिपार्ट कर लिया है, तो आप देख लो पुणे जंक्शन का डिपार्चर। सो गाइस, आपने इसका एग्रेसिव रन देखा होगा, आपको तो पता है डेक्कन क्वीन अपने एग्रेशन के लिए मानी जाती है। और हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स वापस से अभिषेक अटकन और ये अनिरुद्ध देसाई, और अभी हम लोग हाई स्पीड जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। और आपको मैंने बोला था ये ट्रेन का डाइनिंग कार, ये ट्रेन डाइनिंग कार के लिए जाने जाते हैं, उसमें रेस्टोरेंट लाइक बैठने का अरेंजमेंट है, वहाँ पे चाहिए आपको जो अवेलेबल ब्रेकफास्ट आपको गरम गरम सर्व किया जाता है, नॉर्मल ट्रेन जैसे पैक करके नहीं मिलता, मतलब अगर आपको सीट पर बैठ के खाना है तो आपको पैक करके मिलेगा, बट अगर आपको वो फील देना डाइनिंग कार का, तो पूरे इंडियन रेलवेज में एक ही लोटी ट्रेन है ना जिसमें डाइनिंग कार लगता है। सो गाइस, पूरे इंडियन रेलवे में डेक्कन क्वीन ऐसी ट्रेन है जिसको डाइनिंग कार लगता है, जहाँ पर आप जाके मस्त स्वादिष्ट खाने का आनंद उठा सकते हो। और फिलहाल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एसी चेयर कार में फ्रॉम पुणे टू मुंबई। इसका कॉस्टिंग लगभग 384 रुपीज़ है और टू एसी और टू एस सेकेंड क्लास का कॉस्टिंग लगभग 110-120 रुपये है। आप इसका इंटीरियर देख सकते हो,
This is the AC chair car coach और ये ICF coach है. C4 coach. So ये हमारा C4 coach है आप देख सकते हो और ये DQ livered है और इसको बाहर से vinyl का posters भी चिपका गया है महाराष्ट्र tourism का. इंटीरियर्स देखे होंगे आपको अच्छे भी लगे होंगे और हर सीट पे ऐसा मेनू कार्ड लगा होता है अब देख सकते हो जिसमें मिलने वाला मेनू इसमें अवेलेबल है आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फिलहाल वेज कटलेट है इसका ये प्राइस है फिर ब्रेड टोस्ट है और चीज सैंडविच है और चीज टोस्ट है और खासियत देखिए यहाँ पर चिकन कटलेट भी मिलता है फिर डिप चाय मिलती है इंस्टेंट है सो जितने भी सारे खाने की चीज़ें मिलती है यहाँ पे मेंशन की गई है और इसका इंटीरियर भी बहुत मस्त लग रहा है आप देख सकते हो और पूरे इंडियन रेलवेज में ऐसी एक लौती ट्रेन है जिसमें इतना खूबसूरत डाइनिंग कार प्रोवाइड कर दिया गया भावना पोसले के कारण और अभी डेक्कन क्वीन का वैब 7 तो बहुत एग्रेसिव रन दे रहा है आप देख सकते हो हाइजीन इज द फर्स्ट सेफ्टी इज द नंबर वन प्रायोरिटी खायच्या पहिला हात स्वच्छ धुतला पाहिजे मस्त सॉस पहले थोड़ी चाय पी लेता हूँ बाद में पी लेता और ये ब्रेड है इसके अंदर बटर होता है और ऑमलेट के अंदर चीज़ है सो अपन ये खाऊ लोगे इसका टेस्ट कैसा है और ये ऑमलेट है उसके अंदर चीज़ टॉप किया गया है मैंने इतने सारे ट्रेन जर्नी किए राजधानी शताब्दी दुरंतो पर इतना स्वादिष्ट और टेस्टी ऑमलेट मैंने कभी नहीं खाया इट्स रियली ऑसम खरच भावना बोलते शिकार एक नंबर है और गरम गरम है मस्त किचन है ऐसा मन कर रहा है कि पूरा पुणे टू मुंबई इधर ही भेजा दो हम लोग तो है ही फूडी हाउ इज द ब्रेकफास्ट चीज़ ऑमलेट अभी मैंने खा के देखा बेस्ट है और चिकन कटलेट खाया जो आज तक मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑन बोर्ड जर्नी में मैंने फर्स्ट टाइम इतना टेस्टी खाया है इससे पहले शायद ही मैंने चाहे किसी भी ट्रेन में आप बात कर लो नहीं आज तक नहीं और अभी हम लोग लोनावला पहुंच रहे देख सकते हैं लोनावला यार्ड है और हम लोग का ब्रेकफास्ट चल रहा है
तो गाइस अभी चीज़ ऑमलेट खा के हो गया, आप बारी चिकन की है, मस्त ऐसा फिश फ्राई जैसा लग रहा है और मस्त स्वादिष्ट है, और हमें ऐसा फ्रेंच फ्राइज भी दे गया गरम गरम, और अभी इसका टेस्ट करके बता रहा हूँ इसका टेस्ट कैसा है। टू गुड, मस्त चिकन है, क्रिस्पी, ऐसा लग रहा है फिश फ्राई खा रहा हूँ, ऐसा खाना लिटरली मैं कौन सी भी ट्रेन में पहले बार खा रहा हूँ, फर्ज भावना पहुँचता शिकार ना, इतना स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट मैंने ज़िंदगी में कौन सी भी ट्रेन में नहीं खाया, इतनी ट्रेन जर्नी ऐसे भी ब्लॉग्स करके आया है, बट इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। अगर आप मुंबई पुणे के ट्रैवलर हो तो डू ट्रैवल बाय दिस ट्रेन, ये खाने का जरूर लाभ उठाना, भावना पहुँचता शिकार है। गाइस ब्रेकफास्ट खाते खाते हमारा ट्रेन का खंडाला हॉल्ट आ गया, एक्चुअली एक खंडाला कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है, जितनी भी ट्रेन पुणे से मुंबई जाती है अब डायरेक्शन में सभी ट्रेन को खंडाला में हॉल्ट दिया जाता है, एक्चुअली ब्रेक चेकिंग हॉल्ट है क्योंकि आगे बोरघाट है, मतलब डिसेंडिंग बोरघाट है, ट्रेन घाट उतरती है तो सभी ट्रेन को यहाँ पर ब्रेक चेकिंग का कुछ मिनटों का टेक्निकल हॉल्ट देते हैं। खंडाला एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है जो बोरघाट में आता है, करजोदर लोनावला के बीच में, आप यहाँ पर वाया रोड भी आ सकते हो, वाया ट्रेन भी आ सकते हो, और यहाँ का क्लाइमेट हमेशा ठंडा रहता है, पर बारिश में इधर का मज़ा कुछ और होता है, पूरा ग्रीन ग्रीन आपको मिलेगा, और सुंदर से ब्रेकफास्ट के साथ सुंदर से व्यू के साथ हमारी ट्रेन रुकी है खंडाला। सो गाइस ऑमलेट खाने के बाद, चिकन कटलेट खाने के बाद तीसरे आइटम की बारी आ चुकी है, दैट इज बेक बीन्स, आप देख सकते हो बस गरम गरम सर मार का नजारा देखो आप, ऐसे सुंदर नज़ारों में ट्रेन में बैठ के ब्रेकफास्ट खाने का मज़ा कुछ और होता है, और ये सब आपको डेक्कन क्वीन में मिलेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आके खाना पड़ेगा। इतना सब खाने के बाद और भी भूख लगी है क्योंकि ये सब हमें रोज़ एक्सपीरियंस करने नहीं मिल रहा डेक्कन क्वीन का ब्रेकफास्ट, और इतना लकी है मैं क्योंकि इतने सुंदर घाट सेक्शन में डेस्टिनेशन ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द वेज कटलेट, पहले आप लोगों ने चिकन कटलेट खाया था तो आपको बता दो इसका फूड रिव्यू कैसा है,
दिखने में तो मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी गरम गरम है क्योंकि इधर ही किचन है, गरम गरम ब्रेकफास्ट। वाह कैसा है कटलेट, मस्त है, ऑसम। बहुत सुंदर कटलेट है, जैसा चिकन कटलेट है वैसा ही सुंदर वेज कटलेट है भवन भोसले से का। हमने गरम गरम कॉफ़ी भी लिया साथ में। कॉफ़ी भी बहुत बढ़िया है, टेस्ट में स्वादिष्ट है, पानी पानी नहीं है, मस्त है। फूड रिव्यू जारी रहेगा, इधर ही रहो, और तब तक एक घाट सेक्शन देखो आप। सो गाइस अभी हम लोग ट्रेन का लास्ट आइटम खा रहे हैं, इतने सारे आइटम खा लिया, अभी पोट पेट भर रहा है। सो मतलब हम लोग ने इस ट्रेन का सब ट्राई किया है। सो अभी हम लोग खा रहे हैं, दिस इज अ चीज टोस्ट, इसके अंदर चीज बना हुआ है, दिस इज द ऑमलेट, तो चीज टोस्ट और गरम गरम ऑमलेट का मजा कुछ और होता है। सुपर ब्रेक अप्लाई किया आज इंस्पेक्टर, सुपर गाइस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने ट्रेन मिस किया मुंबई पुणे के रूट पर तो जरूर आओ और ये फूड ट्राई करो, आपको ये पूरे इंडिया में किधर नहीं मिलेगा ट्रेन में। आप हमारा ट्रेन का फूड खा के हो गया, फूड तो बहुत ही बढ़िया था, बट अभी हम लोग ये ब्रंच ही बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग ने इतने आइटम्स है उसको ब्रंच ही बोला जा सकता है। हम लोग बस ये डिप डिप वाली चाय पी रहे हैं और अभी चाय पी के ये सुंदर से ब्रेकफास्ट सेशन को एंड करते हैं। तो चाय का टेस्ट कैसे आपको पता था, चाय तो सुपर रहने वाला है, लाइन से देखते हैं इस ट्रेन का वॉशरूम कैसा है और क्या मेंटेनेंस कैसा है। अब तक तो वॉशरूम क्लीन है, ट्रेन ऑलमोस्ट कर्जा क्रॉस कर ली है, बट फिर भी इसका वॉशरूम काफ़ी मेंटेन है, क्लीन है, आप देख सकते हो। और ऐसी के वॉशरूम है पास जैसा फैन से प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो एलएचबी के वॉशरूम में नहीं होता है।
वाइज ये ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया था. सो राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग इन एसी चेयर कार एंड दिस इज द इंटीरियर ऑफ एसी चेयर कार. सो अभी दादर स्टेशन हमने डिपार्ट कर लिया, तो अभी आपको दिखाता हूँ दादर का डिपार्चर. साथ मेरे फ्रेंड्स भी, उनसे भी थोड़ी ट्रेन के बारे में पूछते हैं. उनके आपका एक्सपीरियंस कैसा था डेक्कन क्वीन का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, स्पेशली डाइनिंग कार का, क्योंकि डाइनिंग कार में फ्रेश हमारे सामने बनता है, दिखते हैं, उस वजह से वो काफी बढ़िया लगा. अभिषेक अंकल, आपका फूड का रिव्यू कैसा था इस ट्रेन का? और मतलब थोड़ा स्पेशल क्या और इस ट्रेन के बारे में? ये आईएएस सर्टिफाइड ट्रेन है सीआर की, बराबर. हाँ, ये फर्स्ट जून 1930 से स्टार्ट हुई थी. बराबर बराबर. ओके. और इस ट्रेन में फर्स्ट ट्रेन ऐसी है जिसमें लेडीज स्पेशल कोच एज ए लेडीज कोच इंट्रोड्यूस किया गया था. सबसे मेन बात फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन है ये. और ये एक ऐसी ट्रेन है जिसको जब से ट्रेन चल रही थी स्टार्टिंग से इसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा. अपने सेक्शन में इस ट्रेन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बॉम्बे पुणे के बीच में. बराबर है, क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस किया है. क्योंकि इतना, मैं हमेशा पुणे आता, आपको तो पता होगा, बट इतना सुपरफास्ट जर्नी अभी तक कौन से भी ट्रेन का नहीं था. और ये ऐसी ट्रेन है जिसको स्टार्ट से चालू होने से लेकर अब तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगता है. पहले इसको बीच में WCN3 लगता था, बट अभी अजनी का मॉडर्न WAP7 जो रफ्तार के लिए जाना जाता है, एग्रेशन के लिए, भावना भोसले के कारण. सो ओवरऑल ये ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो हमारे मित्रों को भी अच्छा लगा. सो बोल और क्या कहना चाहता हूँ. ये जैसे आप गैंगवे देखते हो, दो कोचेस जॉइंट होते हैं, वो एक कोच से दूसरे कोच में जा सकते हो, उसे वेस्टिबल कोच मतलब ये बोलते हैं, गैंगवे बोलते हैं. बेसिकली आप एक कोच से दूसरे कोच में जा सकते हो, उसको गैंगवे बोलते हैं. ये फर्स्ट ट्रेन है जिसमें ये सुविधा चालू की थी, बाद में सब ट्रेन में वो लागू हो चुकी है. बराबर ना? बराबर. सो ओवरऑल ये ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. अभी थोड़ी देर में CST रेलवे स्टेशन आ जाएगा, सो हम लोग उतर जाएंगे. सो आपको डायरेक्टली अभी मिलता हूँ CST में. सो अब देख लो अभी AC चेयर कार के इंटीरियर्स. गाइज, ये अपनी लेजेंडरी डेक्कन क्वीन का ब्लॉग था. होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा. अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो जरूर लाइक करना और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बताना ये ब्लॉग कैसा था. अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना. इसी तरह के ट्रैवल ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ. मोस्टली वीडियोज मेरे ट्रेन रिलेटेड रहते हैं और फूड रिलेटेड रहते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना. सो ट्रैवल एज मच यू कैन, एज पर यू कैन, एज लॉन्ग यू कम. दिस इज असो ब्लॉग साइनिंग ऑफ. बाय बाय.